हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं हुंडई की वेरना है, 2011 का मॉडल है, वेरना फ्लूडिक है, 2011 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसमें मैं आज आपको यही दिखाने वाला हूं कि इसका हीटर कॉइल ना जाम हो चुका है। यानी हीटर कॉइल जाम उतना नहीं हुआ है, हल्का सा जाम हो गया है, जिसमें से एक साइड से हीटर टेम्परेचर आ रहा है और एक साइड से नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी चालू है वो दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और आउट टेम्परेचर भी देख लीजिए आप। जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी हीट हो चुकी है और मैं एसी चालू रखा हूँ और हीटर हाई पे रखा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हीटर जब हाई किया हूँ ना, तो हीटिंग टेम्परेचर सबसे पहले ये वाला वेंट में देख लीजिए आप, 16 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है और मैं एक थर्मामीटर उसमें लगा के रखा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, 39 पे आ चुका। अभी 39 पे हीटिंग टेम्परेचर बता रहा है, इसमें हल्का सा आ रहा है और इसमें आ ही नहीं रहा है, इसमें और इसमें सेम आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी ये वाली वेंट में, ये जो सामने वाली ड्राइवर साइड के वेंट में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, और ये पैसेंजर साइड के लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं 39 पे आ रहा है। मैं एसी चालू रखा हूँ और हीटर हाई रखा हूँ, अब हीट एसी बंद कर देता हूँ, अब देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर इसमें भर रहा है कितना तक जा रहा है और उसमें कितना तक जा रहा है। तो ये सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ आज, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी एसी ऑफ है, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर हाई है, एसी बंद है और इसमें देखिए आप 24.9 पे आके 25 बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, यानी ना के बराबर है इसमें हीटिंग टेम्परेचर। अभी अपन अगर आउटसाइड टेम्परेचर देखने जाएं तो आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ का अभी 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अभी हीटिंग टेम्परेचर मेरे को 25 बता रहा है। और ये वाली वेंट में देखिए 50 पे आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी ये वाली वेंट में हीटिंग टेम्परेचर आ रहा है, ये और ये इसमें, और ये दोनों में हीटिंग टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिखा दे रहा हूं 30 पे आया है। अभी बहुत स्लोली हीटिंग टेम्परेचर हो रहा है, यानी उस साइड फुल हो रहा है बट इस साइड नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं आज आपको हीटर कॉइल क्लीन करेंगे, जो कि ये वाला लिक्विड डालेंगे, यानी एक एसिड है, इसको हीटर कॉइल में डालेंगे और हीटर कॉइल में डाल के पानी का वाटर का प्रेशर मार के हम इसको क्लीन करेंगे। अंदर जाम हो चुका है तो उसको फ्री करेंगे, तो फ्री करके देखेंगे सक्सेसफुल होता है क्या नहीं होता है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जा रहा हूँ और हीटर कॉइल का इनलेट आउटलेट खोल के एसिड डालेंगे, एसिड डालने के बाद क्लीन करेंगे, पानी का प्रेशर मारेंगे और बाद में देखेंगे सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो चलो फिर अपना काम में लग जाते हैं हम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी पहले ठंडा कर चुका हूँ और ये वाला पाइप दोनों निकाल दिया हूँ, एक निकालना बाकी रह गया और हम इसमें ये वाला पाइप डालेंगे लिक्विड डालने के लिए। नीचे वाला पाइप में से डालेंगे, अब यहाँ से एसिड डालेंगे, एसिड डाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें एसिड डाल रहा हूँ, एसिड डालने के बाद कैसा रिएक्शन कर रहा है, देख पा रहे पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। तो फटाक से मेरे को इसमें पानी मारना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये खत्म होगा। तो चलो फिर मैं पानी मारता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे पानी उनी मार के मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, बहुत सारा मिट्टी निकला, तो चलो इसको फिटिंग करके फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुकी है पाइप वगैरह सब, गर्म भी हो रहा है दोनों पाइप इक्वली, गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है। तो चलो फिर मैं अंदर जाकर के आपको हीटिंग टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और सबसे पहले आप इस साइड का हीटिंग टेम्परेचर देख लीजिए,
साफ नहीं दिख रहा है, देख पा रहा है 48 पे है। और इस साइड का भी मैं एसी ऑफ है अभी, और इस साइड का भी दिखा दे रहा हूं 49 पे है, यानी आपन जो क्लीनिंग किए ना तो वो सक्सेसफुल हो चुका। अभी इतने में आके टेम्परेचर रुक गया है, इतने में आके टेम्परेचर रुका हुआ है, मतलब इससे ज्यादा गाड़ी ज्यादा गर्म होगी तब जाकर के हीटिंग टेम्परेचर होगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको क्लीनिंग का प्रोसेस दिखाया, इस तरीके से क्लीनिंग किया मैं, और क्लीनिंग करके बहुत सी गाड़ियों में से 10 गाड़ियों में से एक दो तीन गाड़ी सक्सेसफुल होता है, बाकी सब गाड़ी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो चलो फिर मैं इसका एसी चालू करता हूँ और हीटिंग टेम्परेचर भी आपको दिखा, कूलिंग टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। लॉक करता हूँ, काफी गाड़ी गर्म, गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एसी चालू किया हूँ मैं अभी, तो थोड़ी देर रुकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ड्रॉप होगा टेम्परेचर, 46 पे आ चुका है। तो मैं थर्मामीटर सामने लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है बराबर तरीके से। तो थोड़ी देर गाड़ी, कहेंगे गाड़ी पूरी हीट हो चुकी है अंदर, तो अंदर का गर्मी खत्म होगा तभी जाकर के कूलिंग टेम्परेचर डाउन होगा। तो चलो फिर जब तक के लिए मैं वीडियो होल्ड करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर 7.1 पे आ चुका है, यानी कूलिंग भी बराबर हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी इसका हीटर कॉइल क्लीन करके, जो मैंने आपको क्लीन करके प्रोसेसिंग जो बताया, तो ये काम बहुत डेंजर वाला काम रहता है। आप अगर कर रहे हैं तो संभल के कीजिएगा क्योंकि एसिड बहुत डेंजर रहता है। एसिड करता क्या है, जाकर के अंदर कोई कचरा वगैरह रहता है ना, तो उसके साथ रिएक्शन करके उसको बाहर निकाल देता है, बस यही करता है एसिड काम। तो ये सक्सेसफुल हो गया अपना, लेकिन बहुत सी गाड़ी सक्सेसफुल नहीं होती है तो उसमें नया डालना ही पड़ता है। तो ये भी आप अपन जो क्लीन करते हैं चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ दिन चलेगा उसके बाद जाम हो जाता है, फिर वापस से वही सी जगह, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्लीन होता नहीं, हो नहीं पाता है। तो एक सैंपल दिखाया मैंने आपको कि इस तरीके से भी क्लीन होता है। तो आप अगर ये गाड़ी का वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये गाड़ी का डैशबोर्ड कैसे खुलता है या फिर कुछ भी, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के, तो वहां पे दूसरे वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा आपको, तो वहां से आप अपनी गाड़ी का जो भी मॉडल हो वहां जाकर के चेक करके देख सकते हैं। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।